हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जानता हूँ वीडियो देने में आपको मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूँ, वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं पहले प्रीव्यू, उसके बाद हमें ये देखना है कि ये बनेगी कैसे। तो दोस्तों, अब हम इसको बनाना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है VN एप्लीकेशन की। तो हम लोग VN एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं VN एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो ये VN एप्लीकेशन आ गया है दोस्तों। ये VN एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। और इसकी खास बात ये है, इसमें कोई भी आपका वाटरमार्क नहीं आता है और सारे ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली काम करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको नीचे बटन, तो इस पर आपको क्लिक करना है ये इस तरह से, और हमें न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें फोटो सेलेक्ट कर लेना है अपना कोई सा भी। तो मैं सिंपली एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे ये स्पाइडरमैन का फोटो है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन दिख रहा होगा ओरिजिनल, ओरिजिनल को हटाकर आपको यहाँ पर क्लिक करना है 9:16 रेशियो। तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद बस इतना करना है। उसके बाद आपको इस पर थोड़ा सा क्लिक करना है इस तरह से, जो इसकी लेयर है, और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना है आपको ताकि ये थोड़ा सा ठीक लगे। तो ये हमारा एडजस्ट हो चुका है, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ ये येलो दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे एंड में आप लोगों को दिखाई देगा दोस्तों ये फॉरवर्ड, इसको आपको क्लिक कर देना है। ये लेयर आपकी उठकर ऊपर वाली लेयर पर चली जाएगी। तो देखिए, क्लिक में कर रहा हूँ तो ये देखिए आपकी लेयर ब्लैक हो गई है और इससे ऊपर ये ऑप्शन आ चुका है। इसको आप बिल्कुल सिंपली बिल्कुल ठीक तरह से फिट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी टिकटॉक की या फिर इंस्टाग्राम के रेशियो में बन चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी फोटो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने एक सिंपली स्पाइडरमैन का फोटो लिया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि अपनी इस स्पाइडरमैन की जो भी आपकी फोटो है उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में मास्क का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको सेकंड नंबर पे मिरर आएगा, तो इस मिरर पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये इस तरीके से एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इसे आप थोड़ा सा दो उंगलियों की सहायता से घुमा सकते हैं और इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए आप दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे ही आप ये एरो के निशान को थोड़ा खींचेंगे थोड़ा ब्लर हो जाएगा, और इसे बंद कर देंगे तो बिल्कुल ये सॉलिड हो जाएंगे। तो इसे हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इतना, और इसको ब्लर कर देते हैं हम तकरीबन इतना। तो आप ये बीच में मिडिल में आप ये जीरो दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पर आपको अंगूठे से या अपनी उंगली से क्लिक करना है और इसे बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाना है। तो मैं इस तरीके से ले गया हूँ। यहाँ आपको की फ्रेम दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली इस की फ्रेम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने कर दिया, तो आप देखेंगे कि एक इसमें डॉट या बिंदु दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद आप बिल्कुल इसे एंड में ले जाएंगे, और एंड में ले जाने के बाद छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो आपने लेयर ऊपर सबसे ऊपर जो आपने लिया है इसको पकड़ेंगे आप, उसी डॉट पर क्लिक करेंगे और इसे बिल्कुल सिंपली इस तरह से नीचे ले आएंगे। बिल्कुल इस तरह से लाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक और की फ्रेम ऐड हो जाएगा आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लू वाले टिक पर, और बस आपको फिर क्या करना है ओके राइट कर देना है, इसे ओके कर देना है बस। उसके बाद आपकी वीडियो तैयार है, ये देखिए बन गई। अब इसमें बारी आती है म्यूजिक लगाने की। तो हम सिंपली म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो सबसे टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है इस लेयर में। तो ये हैगा, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, म्यूजिक इफेक्ट एंड रिकॉर्ड। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड पे जाइएगा, अगर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो इफेक्ट पर जाइएगा, और जैसे कि आप म्यूजिक लगाना चाहते हैं जैसे मैं लगाना चाहता हूं तो म्यूजिक पर जाइएगा। तो सिंपली हम म्यूजिक पर जाएंगे, म्यूजिक पर जाने के बाद आपको तीन ऑप्शन फिर मिल जाते हैं, म्यूजिक फेवरेट एंड माई म्यूजिक। तो यहाँ पर मेरे पास में, यहाँ मैं अपने फाइल से म्यूजिक निकालने वाला हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने जहाँ पे भी सेव कर रखा है मैं वहां से ले लूँ। ऐसे ही अगर आपने कोई म्यूजिक रख रखा है तो आप वहां से इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 0.17 यानी कि 17 सेकंड का एक म्यूजिक है, मैं इस पे यूज कर दूंगा और ये इस तरीके से मैं ओके कर दूंगा, तो ये मेरी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं प्ले करके। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो तैयार हो गई है। अब हमको सिंपली क्या करना है, इस पर ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर आपको ब्लू साइन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको 180 पर रखना है, ये 30 fps पर, और इसे थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं अराउंड 50 या 47 जितना भी आपको रखना है। तो उसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, आपको एक्सपोर्ट करने में कुछ सेकंड लगेंगे अकॉर्डिंग टू योर फोन प्रोसेसर। तो दोस्तों, ये जब तक सेव हो रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं जिसकी वजह से चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो क्रिएट करने का। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये फाइल आपकी सिंपली कहाँ आ गई होगी, गैलरी में। तो गैलरी में जाएंगे हम लोग और ये देखिए 0.3 सेकंड हमारे पास में ये आ गई। अब नीचे प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों सिंपली हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए टेक्साहो।